गाइज़ आई होप everything इज़ गोइंग गुड गोइंग ग्रेट तो आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही यूनिक करने वाले हैं मतलब ये सब मैंने कभी नहीं किया अपने चैनल पर मतलब वैसा कुछ नहीं इन टर्म्स ऑफ लाइक प्रोडक्ट हमने ऐसा कभी कुछ ट्राई नहीं किया है आज हम मीशो से बीडेड केप्स ट्राई कर रहे हैं क्योंकि मैंने बीडेड केप्स जो हैं वो हर जगह पर ढूंढ लिए हर जगह पर देख लिए दे आर सो मच प्राइसी और इंस्टाग्राम पर अगर देख लो ना मतलब प्राइस ऐसे जाता ही हूँ बट मीशो पे मुझे सबसे अच्छे प्राइजेज मिले सो आई ऑर्डर फ्यू केप्स लाइक कि मतलब केप समझ लो आप इन्हें या फिर आप इन्हें यू कैन जस्ट आप इन्हें कुछ एक टाइप का नेकलेस भी समझ सकते हो लाइक like, दैट इज़ टोटली अपू आप इन्हें कैसे स्टाइल करते हो बट मेरे लिए तो ये एक तरीके से बहुत अच्छा एक्सेसरी है जो कि आप डिफरेंट डिफरेंट लुक्स में यूज़ कर सकते हो एंड यू कैन मेक योर लुक डिज़ाइनर सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि मैंने बहुत सारे ऑर्डर नहीं किए बिकॉज इनको अबेंडेंस में ऑर्डर करने का कोई मतलब नहीं है ये चीज़ें आप ओकेजनली यूज़ करते हो और मीशो पर जैसे कि मैंने बताया मुझे सबसे बढ़िया प्राइजेस मिले सबसे इंटरेस्टिंग पीसेज मुझे वहाँ पर मिले तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मंगाए हैं लेट मी जस्ट शो यू

टोटली टोटली वर्थ इट मतलब इतने कम प्राइस में ये कहीं नहीं मिलने वाला था स्टाइलिंग की बात कर रहे थे हम तो मैंने सबसे पहले इसको स्टाइल किया विद वन ऑफ माय फेवरेट लुक्स मैंने क्या किया कि मैंने एक वाइट नेट का साड़ी लिया आई अप विद अ मरून वेलवेट ब्लाउज ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है एंड मुझे मतलब एकदम से इसे देखते लगा कि मरून के साथ बहुत अच्छे से जाएगा सो इफ़ यू हैव अटन मरून साड़ी सैटन और वेलवेट का ब्लाउज है उसके ऊपर आप इसे स्टाइल कर सकते हैं बहुत एक्स्ट्रॉडनरी लगेगा बट मेरे पास वाइट ले की नेट की साड़ी थी जिस पे लक्ली एम्ब्रॉयडरी के साथ पर्ल की डिटेलिंग भी थी तो उसने इसको बहुत अच्छे से मैच किया मैंने ब्लाउज पहना बालों में सिंपल हेयरडू करा रोज लगाया एंड ऊपर से इसको पहना इट वाज लुकिंग जस्ट लाइक अ डिजाइनर आउटफिट लेकिन ऐसा लग रहा था मैं कहीं स्टोर से अभी लेकर आई हूं खूब सारे पैसे खर्च करके बट दिस एक्चुअली हैज चेंज द होल लुक और ये लुक को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले गया मैंने सिंपल बेसिक से थोड़े पर्ल वाले ईयरिंग्स पहन लिए एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस आई होप कि आपको भी ये वाला लुक अच्छा लगा हो ये जो लुक्स हैं आप स्लीव वाले ब्लाउज के साथ भी ट्राई कर सकती हो ऐसा कुछ नहीं कि स्लीवलेस के साथ ही काम करेगा स्लीव वाले ब्लाउज के साथ भी ये बहुत अच्छे से जाएंगे कमिंग आउट ऑफ द नेक्स्ट लुक आप इसे किसी ब्लैक ड्रेस के साथ पहन सकते हो आपका कोई वेलवेट का ब्लैक ड्रेस है या फिर कोई भी आपका लाइकरा का ब्लैक ड्रेस है यू वॉन्ट टू जस्ट क्रिएट अ डिफरेंट यूनिक लुक फॉर पार्टी

ग्रे बीड्स और मेरावर्क का कॉम्बिनेशन है तो वो चीज मुझे मुझे इतना हैवी लुकिंग केप मिल गया सो ब्यूटिफुल ये आपके किसी भी आउटफिट को इंस्टेंटलीजब करके उसको डिजाइनर हैवी लुक दे सकता है यू कैन डेफिनेटली वे वेयर इट ऑन अ ब्लैक ड्रेस ये बहुत अच्छा लगेगा बट मैंने इसे ब्लैक कलर के टॉप के साथ पहना विद पैंट्स तो भी ये बहुत सुंदर लग रहा था आप इसे ब्लैक ड्रेस के साथ पहनेंगे तो भी ये बहुत सुंदर लगेगा बट हमारा एजेंडा है कि इंडियन वेयर के साथ कैसे पहनना है तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक साड़ी दिखाई थी ग्रे एंड ब्लैक कलर की जो कि मैंने मिंत्रा से ली थी उसके साथ मैंने इसको पेयर किया विद द ब्लैक ब्लाउज इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल एंड हैवनली इसने उस साड़ी में चार चांद लगा दिए एंड इट हैज़ टर्न इन अ ब्यूटिफुल वेडिंग और कॉकटेल आउटफिट सिर्फ इतने कम प्राइज में इट वॉज लुकिंग सो and this piece is so gorgeous guys you won't believe that I got it at a but this is totally again totally worth it next cape that I have is this beautiful uh, one which is ऑफ दिस काइंड मुझे ये वाला ट्राई करना था बहुत टाइम से बिकॉज आई हैव सीन मेनी पीपल ट्राइंग द ब्लैक ऑफ दिस बट मुझे इसका वाइट वर्जन ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसमें ना पर्ल्स आते हैं वाइट कलर के तो वो बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं नेट को आप अगर बॉर्डर देखोगे ना इसमें छोटा छोटा पाइप वर्क दिया गया है है सिल्वर में और इसमें लटकन भी बहुत सुंदर इट्स अ ब्यूटिफुल नेक पैटर्न और इसमें बटन आता है पीछे बंद करने के लिए बाकी सब में हुक्स दिए गए हैं टू क्लोज इट बट ये लगता बहुत प्यारा है नाउ यू कैन ऑल्सो स्टाइल्डअप विद दिस काइंड ऑफ अ साड़ी बट मुझे बहुत सारी चीजों के साथ ट्राई करने के बाद ये समझ आ ha okay. कि ये ना uh, मैंने एक सिल्वर साड़ी और सिल्वर ब्लाउज के साथ इसको पैर किया एंड इट लुकिंग सो गुड और साथ में मैंने स्टोन्स के ईयर पहन लिए इसकी वजह से वो सिल्वर साड़ी बहुत इन्हेंस लग रही थी एंड लुक एकदम से एलिवेट हो गया था सो दिस कुड आल्सो बी अ वेरी ब्यूटीफुल लुक फॉर एनी वेडिंग फंक्शन अगर आपके यहाँ सिल्वर पहन सकते हैं देन डू ट्राई दिस आउट इट विल लुक वेरी वेरी प्रिटी एंड मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो केप है ये वेस्टर्न वेयर से ज़्यादा इंडियन वेयर के साथ अच्छा लगेगा बिकॉज ऑफ दिस पर्ल एंड इसमें एक बहुत ही सुंदर सा फ्लेयर है जो कि बहुत अच्छे से

coming on to the last product of today's video is the one that I'm wearing. This is a very fancy kind of ये मुझे बहुत ज़्यादा Hollywood वाले vibes दे रहा है तो इसमें इस तरीके से यहाँ पर chain दी गई है black beads की with some silver beads in the center. तो सबसे पहले मैंने इसको style किया with my black saree. उसके साथ ये बहुत अच्छा लग रहा था with the sleeve blouse so that आई कैन गिव यू आइडिया कि स्लीव वाले ब्लाउज के साथ भी अच्छे लग सकते हैं तो मैंने स्लीव वाला ब्लाउज पहना है आप सिर्फ फुल स्लीव ब्लाउज भी पहन सकते हो ऐसा कुछ नहीं है हाईनेैक फुल स्लीव ब्लाउज़ पहन के प्लेन ब्लैक साड़ी पहनू बहुत अच्छा लगेगा इसका तो लुक तो मैंने इसको तो बैसे स्टाइल किया सिम्पल स्लीव ब्लाउज के साथ विद ब्लैक साड़ी फॉज लुकिंग स्टानिंग आप इसे ब्लैक ड्रेस के साथ भी पहनी है ब्लैक कलर की ड्रेस को नहीं बहुत अच्छे से एनहैंस करिए इट विल गिव यू दैट होल पार्टी वाला वाइब बट मुझे ये इस पिंक के साथ भी बहुत अच्छा लगा आई फाइनली ट्राइड इट विद दिस हॉट पिंक ब्लाउज हॉट पिंक साड़ी एंड ये इसको भी बहुत अच्छा लुक दे रहा है

on.